हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जिले में शुक्रवार से अगले 5 दिनों तक पाली में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश भर से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अपनी मेहनत से जो खिलाड़ी ही कसौटी पर खरा उतरेगा वह दिसंबर माह में तुर्की में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपने देश के लिए खेलेगा। पाली में शुक्रवार शाम से राष्ट्रीय स्तरीय बेसबॉल प्रतियोगिता का आगाज होने वाला है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश के सभी प्रदेशों से छात्रा और छात्र टीमों के खिलाड़ी और उनके कोच पाली पहुंच चुके हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आगाज शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा। शनिवार से बांगड़ स्टेडियम में विभिन्न टीमों के बीच मैच होंगे। 25 तक चलेगी प्रतियोगिता। आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रतियोगिता 25 सितंबर तक आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को चयन करने के लिए बेसबॉल खेल से जुड़े भारत के कई वरिष्ठ कोच और खिलाड़ी भी पाली पहुंच चुके हैं। खिलाड़ियों ने खेले फ्रेंडली मैच। प्रतियोगिता को लेकर ज्यादातर टीम गुरुवार रात को ही पाली पहुंच चुके थे। कई टीमें शुक्रवार सुबह पाली पहुंची। इसके बाद सभी टीमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बांगड़ स्टेडियम पहुंचे। वहां खिलाड़ियों ने खेल को खेल की भावना से खेलने का संदेश देने के लिए आपस में कई फ्रेंडली मैच खेले। वहीं दोनों टीमों के कोच भी मौके पर मौजूद रहकर टीम के खिलाड़ियों को टेक्निकल टिप्स देते नजर आए। निकलेगी जागरूकता रैली। इस आयोजन में भाग लेने के लिए आए सभी टीमों को बांगड़ धर्मशाला में रोका गया है। प्रतियोगिता के आगाज से पहले सभी प्रदेश की टीमें एक साथ मिलकर पाली शहर में विभिन्न संदेश देते हुए जागरूकता रैली निकालेंगे। इसमें खेल जागृति, शिक्षा को बढ़ावा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पर्यावरण बचाओ जैसे संदेश शामिल होंगे। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।